राइट स्टार्ट करें। चलो तो हमारे पास एक ब्लॉक और एक वेज सिस्टम था और हमने इस ब्लॉक को वेज के टॉप मोस्ट पॉइंट से छोड़ा था और हमने कुछ एंगल और डिस्टेंसेस दिए थे, ये एंगल थीटा, ये एंगल एल। ठीक है, हमने बोला बताइए जब ये ब्लॉक नीचे गिरेगा तो वेज और ब्लॉक कितना मूव होंगे वो बताइए। ठीक, तो इस केस में एंगल बताने के लिए या मोशन बताने के लिए सबसे पहले तो एक चीज जान लो कि इस केस में जब मैं इन दोनों का एफपीडी बनाऊंगा, जब मैं इन दोनों को सिस्टम मानूंगा, तो इनके सिस्टम मानने पर जो है तो उसकी थ्योरी देख लो, इनके बीच में लगने वाला नॉर्मल हो जाएगा इंटरनल, वो तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं। ठीक, इसके अलावा इन पर जो एक्सटर्नल फोर्स होंगे वो एम जी होगा, इसका एम जी होगा और ग्राउंड का लगने वाला नॉर्मल, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे। अब जो भी फोर्स देखेंगे वो सब वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे और ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स जीरो नहीं आएगा। लेकिन पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस की। एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं एक्स डायरेक्शन में देखू तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो है। इनिशियली पूरा सिस्टम पर उसका मास की वेलोसिटी भी किस पर थी, जीरो। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो, सेंटर ऑफ मास पर फोर्स भी जीरो, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, विल बी एट रेस्ट, लेकिन ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पर इसमें कोई फोर्स जीरो होगा नहीं, वाई एक्सिस में फोर्स जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाई एक्सिस में लग रहा है कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी। तो सर ग्रेविटी लग रहा है ऊपर, नॉर्मल लग रहा है, सर दोनों बैलेंस होते हैं, एम जी प्लस एम जी बराबर नॉर्मल, ये दोनों बैलेंस नहीं हो सकते। आप इसको ऐसे समझो, देखो हुआ क्या, कैपिटल एम यहाँ है, स्मॉल एम यहाँ है, थोड़ी देर बाद स्मॉल एम कहाँ बच जाएगा, नीचे, लेकिन कैपिटल एम वाला तो जमीन पे रहेगा, ये जमीन छोड़ के ना तो ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है, यानी ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा नहीं, ये मास नीचे लग जाएगा, मास नीचे लग जाएगा मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये वाई डायरेक्शन में नीचे गिर गया, ये तो बोल ही सकता हूँ, और सिर्फ एक मास गिरा, अरे गिरा, अगर एक मास y डायरेक्शन में गिरा, देखो सेंटर ऑफ मास का जो y डिस्प्लेसमेंट होगा वो लिखेंगे m1 into पहले का डिस्प्लेसमेंट प्लस m2 into दूसरे का डिस्प्लेसमेंट अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैं बात करूं वेज की तो वेज का तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, y एक्सिस के लॉ, y एक्सिस के लॉ, वेज का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, और अगर y एक्सिस में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, यानी सेंटर ऑफ मास y एक्सिस में चलेगा, यानी यहां पर हमें जो डिस्प्लेसमेंट जीरो करना है वो सिर्फ कौन सी एक्सिस का करना है, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का जीरो नहीं करना। ठीक, तो इसमें करना गया क्वेश्चन पे, तो पहले क्या है थ्योरी समझ में, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक्स एक्सिस में फोर्स को जीरो करना होता है, वाई एक्सिस में फोर्स जीरो नहीं होता, वाई एक्सिस में सेंटर मास चलेगा। तो हुआ क्या, ये वेज है और इस ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया, हमें वेज का डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब ये ब्लॉक नीचे गिरेगा। अगर ये ब्लॉक नीचे गिरेगा वेज लेफ्ट में जाएगा, ठीक, ये नीचे गिरेगा तो वेज लेफ्ट में मूव करेगा, हमें ये बताना है वेज में लेफ्ट में कितना चला। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने की ट्रिक मैं कल बता चुका हूँ कि जिसको भी चलाना हो सबसे पहले उसे किससे मान लो, वेज पर रोक दो और इसको चला दो, ये एल है। अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट एल के फॉर्म में ले सकते क्योंकि ये एल वो जाएगा फिर एंगल पे, तो पहले हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा, कौन से एक्सिस पर, एक्स और वाई, क्यों तोड़ रहा हूं ये समझ में आता है, क्यों, क्योंकि हम एक्स के अलॉन्ग की डिस्प्लेसमेंट को जीरो करेंगे तो सिर्फ एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट लेना है, एल का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एल कॉस थीटा, L cos थीटा i क्या प्लस L sin थीटा j क्या, ये है ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, वेज का डिस्प्लेसमेंट जीरो, सर वेज का जीरो क्यों, वेज पर माना है, फिक्स माना है भैया, इसको फिक्स माना है पहले केस में मैंने। ठीक, तो इससे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होता है पहले का मास इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज L cos थीटा i क्या प्लस L sin थीटा j क्या प्लस दूसरा मास और उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो अपॉन एम प्लस एन। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए एम एल कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम आई कैप, एम एल कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम आई कैप, एम एल साइन थीटा, एम एल साइन थीटा अपॉन
एम प्लस एम जे कैप, यानी सेंट्रोमास दो एक्सिस में डिस्प्लेस होगा, एक्स में भी और वाई में भी। अब थ्योरी है क्या होना चाहिए, सेंट्रोमास एक्स में डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। तो भैया जितना सेंट्रोमास एक्स में डिस्प्लेस हो पूरे सिस्टम को उतना ही पीछे ले जाओ, यानी यही हमारे वेज का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी उतना ही पूरे सिस्टम को पीछे ले आओ, पीछे ले आओ, यही वेज का डिस्प्लेसमेंट है। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज इज गिवन बाय एम एल कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एल। यहां पर कौन सी चीज डिवाइड हुई है चेक करो, टोटल कितना कौन सा डिस्प्लेस हुआ है, चेक करो ये कौन सा मामला बन गया भाई, ढंग से देखो भाई, इसको तुम्हारे फॉर्मेट में लिख भी दिया भाई, अब क्या तुम्हें क्या चाहिए भाई, वेज का डिस्प्लेसमेंट लिखना है, वेज का मास क्या है, वेज का मास, लेकिन मैंने क्या लिया है दूसरे का मास अपॉन टोटल मास ऑफ क्या, अरे भाई दूसरे का मास अपॉन टोटल मास उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, अरे डिस्प्लेसमेंट कौन सा है ये, एल कॉस थीटा करो, एल कॉस थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मास के इनवर्स रेशियो में बटेगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं बटेगा, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर रहे हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मास के इनवर्स रेशियो में बटेगा, समझ में आएगी। तो अगर कोई पूछे कि स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दूसरे का मास अपॉन टोटल मास ऑफ एल कॉस थीटा, राइट में, समझ में आया, किसी को डाउट है तो इसका राइट हैंड साइड डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। हाँ इसमें एक चीज और है, इसमें राइट के अलावा एक और डिस्प्लेसमेंट आएगा, एल कॉस थीटा आई कैप माइनस माइनस एल साइन थीटा जे कैप, ये कैसे लिखती है मैंने, स्मॉल एम वाला कहां गिर रहा है, नीचे तो सर डिस्प्लेसमेंट एल साइन थीटा नीचे भी है, ठीक, तो उससे दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल वाले में तो मास के इनवर्स वाला फॉर्मूला रख गया और वर्टिकल वाले में कोई फॉर्मूला नहीं, नोट कर ले, अगर किसी को डाउट है पूछ ले, देख रहे हैं कैमरा पे क्या स्क्रीन ऑन है, देखो ना ऊपर चढ़ गया थोड़ा से से अंदर पहला वाला मैं हूं सही चल रही है, अरे नहीं चल रहा हूँ कह रहा हूँ नीचे का बोर्ड गायब हो रहा है, देखो ऊपर है, अरे ऊपर चढ़ के देख लो भाई, बेड बेंच पे चढ़ के देख लो यार, तू देख ले भाई क्या हो गया, दिख रहा है पूरी स्क्रीन आ रही है कि नीचे से जा ऊपर का दिख रहा है थोड़ा नीचे का कर सकता है, अरे हिला दे कैमरे को, हिला के शिफ्ट इसको लाने से कैमरे को कोई और कर दो, आराम आराम से गिर मत जाना, तो ये थोड़ा सा कैमरे को ऐसे टिल्ट कर सकते हैं, अरे अरे सर वो फिक्स नहीं है यार, वो लिमिट फिक्स नहीं है, यहाँ देखेगा इसमें देखेगा देख लिया, फिर प्यारा अपना मुंह बंद रखें और उसको लिख लिया, ये तो है पहला क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये शायद दूसरा क्वेश्चन है ना, पहले प्लान पर आने वाला होगा, ये चौथा क्वेश्चन है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को हम जीरो करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो है, वाई डायरेक्शन में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स जीरो नहीं है, तो यहाँ पे जो चीज बटेगी वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बटेगा मास के इनवर्स रेशियो में, ठीक,
कृपया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जा रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है एक वेज है और ये वेज का मास लेट से कैपिटल है यहाँ पर एक स्मॉल है जो कि इनिशियली रेस्ट पर था ये भी रेस्ट पर था सारी सरफेसेस स्मूथ है और सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया रेडियस कितना है सर्कल का हाफ रेस्ट से रिलीज कर दिया सबसे पहले तो आपको ये समझाना है कि ब्लॉक जब नीचे गिरेगा तो क्या घटना घटेगी कोई बता सकता है हाथ से अभी जब ब्लॉक नीचे गिरेगा क्या होगा सिचुएशन क्या होगी वो सिचुएशन समझानी है क्योंकि सिचुएशन समझ में नहीं आएगी तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का बस एक जन ही बता सकता है जब ये मास नीचे गिरेगा जब ये मास नीचे गिरेगा ये भाई पीछे जाएगा तो हमसे पूछा गया बताइए जब ये ब्लॉक यहाँ से छोड़ा गया और ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गया मतलब ये फाइनल है तो बताइए वेज का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज When the block reaches lowest position, find the displacement of wedge when the block reaches lowest position. ठीक तब ठीक है आ गया ना ध्यान से कोई तब 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 ना क्या हुआ एस के पहले खराब हो गई पकड़ लेना क्लास लेवल find the displacement of wedge When the block reaches lowest position, वो सेमी सर्कल है भैया सेमी सर्कल समझते हो जल्दी कर ले इतना एफर्ट वाला है नहीं एक लाइन करने वाले displacement of capital M is small m into R upon small m plus capital M towards ये कैसे ब्लॉक यहाँ से आया इसके दो displacement हुए एक तो ये R right side गया एक ये R नीचे गिरा ये नीचे गिरने वाले को तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम vertical direction में कुछ भी नहीं करा सकते vertical direction में नहीं करा सकते vertical four zero लेकिन ये तो बोल ही सकते हैं capital M वाला तो स्मॉल एम वाला कितना आगे गया आर तो वही आर डिस्टेंस को क्या करें मास के तो वेज को मिलेगा दूसरे का मास अपॉन टोटल मास अपॉन नहीं समझ में आया अंदर हॉरिजॉन्टल इसको भी वही समझाऊंगा प्यार से बच्चों की तरह एल कॉस थीटा कैसे आया वो जो पिछले क्वेश्चन में एल कॉस थीटा आया था वही तो है अरे एल कॉस थीटा एल साइन थीटा वहां हॉरिजॉन्टल को मारना था यहां भी हॉरिजॉन्टल को मारना अपने आप ईमानदार से खड़े हो जाओ भैया बोलो आज तारीख क्या है पेशेंट का नाम नहीं है क्या
ये भी फोन चला रहा है इसका तुम वाउच कर रहे हो, तेरा वाउच चलता भी है नहीं, अरे तेरे से कहीं ना मानू क्या मेरे तो टेस्ट सारे ब्लड ब्लड का टेस्ट करा दिया तुमने क्या बैठ जा बोल चाचा हाँ बोल कोई ना कहना बोल कहना तो मिल लो कान पर नहीं आते क्यों नहीं आया था चुप हो जा बुखार आ गया था हाँ क्या बुखार हो गया था हीरो था हाँ रजनी क्या है बदमाश था हाँ क्या था हीरो था फिर आइए क्या मुझको हीरो हीरो ना आपका क्या सुतु बाड़ी दे रहा था मेरा जब मन करेगा तब बैठाऊंगा और भी बहुत सारे ऑप्शन थे इतने बोलते वाले आदमी है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन पे देखते हो क्या हो गया क्वेश्चन है हमारे पास एक रॉड है जो कि स्मूथ है स्मूथ रॉड है इस स्मूथ रॉड पर हमने एक एम मास की बीड फंसा रखी है बीड समझते क्या होता है रिंग टाइप की फंसा रखी है और इस रिंग से एक रस्सी बंधी हुई है एल लेंथ की और इस एल लेंथ की रस्सी से एक पार्टिकल अटैच है टू एम मास का सेम मास का पार्टिकल है टू एम मतलब वो सेम है ठीक तो हमने इस पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया जब इसको रेस्ट से रिलीज करेंगे तो इसमें भी पता सेम ऐसी कुछ घटना होगी होगा क्या अगर मैं इस मास को एक बार के लिए पकड़ के रख लूं तो ये मास नॉर्मली एल लेंथ पर नीचे गिरता यहां था इधर चला जाता ऐसे मोशन पे होता लेकिन इस केस में ऐसा मोशन करेगा नहीं क्यों क्योंकि होगा क्या जैसे ही ये थोड़ा सा नीचे आएगा जैसे ही ये एम मास नीचे की तरफ आएगा होगा क्या इस टू एम मास पर टेंशन इधर लगेगी और इस एम मास पर टेंशन इधर लगेगी और इस टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ये बीड भी राइट में बढ़ेगा यानी इस केस में होगा क्या जब 2m वाला नीचे गिरना स्टार्ट होगा m वाला राइट में गिरना स्टार्ट होगा एक तरीका दूसरा तरीका जैसे ही मैंने इन दोनों को सिस्टम माना टेंशन खत्म एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है mg एक्सटर्नल फोर्स अगर mg है लेकिन ये सारे mg कैसे हैं वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल तो कोई भी फोर्स यानी हॉरिजॉन्टल में सेंटर मास डिस्प्लेस तो अगर 2m वाले को यहां से छोड़ो 2m वाला इधर आ रहा है यानी 2m वाला इस साइड आ रहा है तो सेंटर मास को रेस्ट पे रखने के लिए m वाला इधर आ रहा है समझ में आ गया आपको बता रहा है जब ये 2m वाला लोएस्ट पोजीशन पर हो m वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ m नॉर्मली वर्टिकल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ b फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ b When the particle reaches lowest position.
फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी व्हेन द पार्टिकल रीच इज लोएस्ट पोजीशन. वही सवाल है यार पिछले वाले से. इस बात में मत करो. फिर जाकर बातें ना करें तो अच्छा हो जाएगा. क्या चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है सॉरी आंसर आंसर है 12/3. कैसे? इसमें जब मास जब 2m वाला लोएस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा. देखो 2m वाले के साथ हुआ क्या. 2m वाला पहले यहाँ था अब यहाँ से यहाँ आ गया. इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ ये l डिस्टेंस इस साइड आया और l डिस्टेंस नीचे गिरा. लेकिन हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से तो मतलब क्योंकि वर्टिकल में तो फोर्स है सिर्फ इससे मतलब है हॉरिजॉन्टल. तो ओवरऑल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट l का है. और अगर ओवरऑल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट l का है तो जो l है वो इन दोनों को मास के इनवर्स रेशियो में बटेगा. तो अगर बीड यानी कि m का डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो दूसरे का मास अपॉन टोटल मास ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. तो आंसर आ गया 2l/3 टुवर्ड्स राइट. ये राइट तुम्हें सोचना भैया. ठीक समझ में आ गया भैया. नोट करें और कोई डाउट है पूछ लें. हाँ हाँ हॉरिजॉन्टल में सब सेम होगा. हॉरिजॉन्टल में सब सेम होगा भैया. ऊपर की तरफ कहाँ से अच्छा नीचे से ऊपर फेंके हाँ तो उल्टा हो जाएगा. इसमें इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पर होना चाहिए. बच्चा ऊपर फेंक नहीं सकते हैं. ये जो सारी कहानी कर रही हो इसे मैंने याद करो दो कंडीशन लिखवाई थी. पहला एक दो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए और दूसरा यूसीएम जीरो होना चाहिए. तो यूसीएम जीरो नहीं होगा अगर आपने एक को भी वेलोसिटी फेंक दिया. रेस्ट से छोड़ने पर होना चाहिए सब कुछ. समझ में आगे बात. रेस्ट से छोड़ेंगे तो ये कहानी होगी वरना नहीं. हाँ भैया और किसी को डाउट है पूछ लो. कृपया अगर अपने मुंह को बंद करके बहुत अच्छा मुंह नहीं है आप लोगों का. लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लो और सुन लो. एक्चुअली में देखो मैकेनिक्स यही होता है. मैकेनिक्स में कुछ इक्वेशन होती हैं जिससे पूरी मैकेनिक्स कवर अप हो जाती है. देखो ओवरऑल पहले थोड़ी चर्चा कर लें फिजिक्स साइड का क्योंकि अभी तक फिजिक्स बहुत हो चुकी है. कुछ लोगों को आती है कुछ लोगों को बहुत आती है लेकिन कुछ लोगों को बहुत नहीं आती. तो उस केस में पहले बताता हूँ ओवरऑल हमने किया था. देखो हर चैप्टर में आपने कुछ टूल्स पढ़े. एक्चुअली होगा क्या अभी तक आपने जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है मैकेनिक्स पढ़ी है उसमें आपने हर चैप्टर में कुछ टूल यानी कि कुछ औजार पढ़े. वो टूल्स क्या होता है. वो टूल्स होती है इक्वेशन या कुछ ऐसे फॉर्मूले जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करते हैं. जैसे काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करता हूँ. काइनेमेटिक्स से पहले वाले लेक्चर सब बर्बाद है. मैं पहले बता दूँ काइनेमेटिक्स में वेक्टर बहुत रेयर पूछा जाता है बहुत रेयर लेकिन उससे सवाल आते हैं. कल एमएससी भी लगभग था पता है दो सवाल तो एनएससी का पेपर था. मैंने सॉल्यूशन में से मुझे पता दो क्वेश्चन तो मुझे याद है प्रॉपर यूनिट डायमेंशन के पूरे प्योर यूनिट डायमेंशन. ठीक तो ऐसा नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन वो सब फर्जी थे. ठीक है कर लोगे वो तो. ठीक अब आते हैं हकीकत पर. थर्ड चैप्टर तुमने पढ़ा काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में तुमने कौन से टूल पढ़े मैं याद दिलाता हूँ. काइनेमेटिक्स में तुमने सबसे पहले तीन टूल तो पढ़े इक्वेशन ऑफ मोशंस. पांच वो जो पहले बचपन में पढ़ी थी उसी को उसी का फर्दर यूज पढ़ा. फिर तुमने वेरिएबल वाले भी पढ़ लिए. वेरिएबल वाले में क्या रखता है डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट ऐसा कुछ पढ़ा होगा. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो भी एक टूल है. उस चैप्टर में इतना ही था बस. उस चैप्टर में यही था पांच इक्वेशन ऑफ मोशंस और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सवाल. फिर वो चाहे काइनेमेटिक्स 1D ले लो फिर चाहे काइनेमेटिक्स 2D ले लो वो इक्वेशन ऑफ मोशन खेलते रहो एक्स में अलग वाई में अलग जोड़ दो 2D हो जाएगा. ठीक अगर मान लो उसके बाद बात तो उसके बाद तुमने चैप्टर पढ़ा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. उसमें एक दो ही टूल थे. एक ही रूल था कहीं जगह तो कौन था पूरे चैप्टर में F equal to M लगाया. बस उसमें डिफरेंस क्या है कहीं कंस्ट्रेंट लग गया कहीं स्यूडो लग गया बट लगाया बराबर M नहीं था पूरे चैप्टर में. तीसरा चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा इसके बाद सर्कुलर. सर्कुलर का मेजर यूज आएगा रोटेशन वो छोड़ दो चलो. सर्कुलर के बाद तुमने पढ़ा वर्क पावर एनर्जी. वर्क पावर एनर्जी में क्या क्या पढ़ी. काइनेटिक एनर्जी पढ़ी क्या होता है मोमेंटम पढ़ा क्या होता है. लेकिन मेन एक ही क्वेश्चन पढ़ी वर्क एनर्जी. पूरा वर्क पावर एनर्जी सिर्फ एक ही क्वेश्चन पर बेस्ड है वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी बट
उसमें टूल जो होता है वो एक ही होता है। वैसे ही इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास में जो पहला टूल तुम पढ़ने जा रहे हो, पहला औजार पढ़ने जा रहे हो, वो अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तुमने देखो अभी तक पढ़ा क्या? सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन, मास काट दिया, बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर मास की पोजीशन बताओ, रिंग का कहाँ है, डिस्क का कहाँ है, वो सब कहाँ है, फिर एसीएम बीसीएम एसीएम पढ़ा, उसमें सीधा एक्सटर्नल फोर्स पे आ गए। अब इसकी जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये इक्वेशन ऐसा जान लो हर चैप्टर में यूज होगी, हर लगभग हर, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लो, चाहे वो एसएचएम ले लो, मतलब जो मैकेनिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो मैग्नेटिज्म ले लो, चाहे वो जितने भी मूवेबल चीजें होती है वो, ठीक। तो उस इक्वेशन का नाम है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल एक नई इक्वेशन नहीं है, तुम ये इक्वेशन पहले भी सीख चुके हो, लेकिन लीनियर मोमेंटम नहीं पढ़ी, इसमें पहले कुछ और पढ़ा था, उसका नाम था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। नाम सुना है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी अगर वर्क ऑन एनर्जी में पढ़ाया था, यूज नहीं किया था, लेकिन मैंने सिर्फ पढ़ाया था कि हाँ तुम्हें पता होना चाहिए। तो वैसे एक इक्वेशन है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहती है उसके बारे में बात करते हैं, पहले हेडिंग डालता हूं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। लीनियर बीच वाली रो में होगा वहां, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी एक पार्टिकल पर, चाहे वो एक हो चाहे वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए बोल देता हूं कि अगर तुम्हारे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, पांच पार्टिकल है, सात पार्टिकल है, एक बॉडी है, दो बॉडी है, चार बॉडी है, सिस्टम है मतलब, तो अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, मतलब किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम क्या होता है यार? नाम सुना है? सुनाया था मैंने थोड़ी देर पहले। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू, यानी उसका मास इनटू वेलोसिटी, सिस्टम का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। सिस्टम का मास इनटू वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? ऐसे प्रूव कर सकते हो किसी भी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, जिसका मतलब वो सिस्टम का एसीएम जीरो, अगर एसीएम जीरो है तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसका वीसीएम क्या रहेगा? कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखने के दो रास्ते होते हैं। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम या तो इंडिविजुअल मोमेंटम का सम, या एक और मेथड लिखवाया था, थोड़े पेज बटा के देखो, पेज बटा के देखो, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिखने के मैंने दो रास्ते लिखवाए थे, एक p1 + p2 + p3 इंडिविजुअल सम और एक और लिखवाया था टोटल मास इनटू vcm। अब खुद सोचो कि अगर vcm कांस्टेंट है, vcm कांस्टेंट है, टोटल मास तो कांस्टेंट होगा ही, तो ऐसे ही मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, मास कांस्टेंट, vcm कांस्टेंट, तो सिस्टम का मोमेंटम भी, और इसी कांस्टेंट होने को कहते हैं कंजर्व होना। किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो इसी को कहते हैं कंजर्व होना, कंजर्व इक्वल होना, यानी उस केस में किसी भी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेंगे? इक्वल। मतलब इनिशियल और फाइनल मतलब एक्चुअली में उस क्वेश्चन में कुछ ऐसी घटना घट रही होगी कि सिचुएशन ही बदल जाए, मतलब इनिशियली ऐसा, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन में कुछ ऐसे है जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर एक प्लैंक ले ले और एक आदमी ले ले, और हमने ये सीखा कि अगर इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पर है तो आदमी अगर आगे बढ़ता है, प्लैंक बताओ कहां जाएगा? पीछे। ऐसा तो सीखा था क्या? और हमने उनको बांटना भी सीखा था, याद है? लेकिन अब की बार क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में नहीं है। अब बोला कि इनिशियली आदमी और प्लैंक रेस्ट पर है, अब इस आदमी ने भागना शुरू कर दिया, यानी अब जो रिलेशन है वो एक्चुअली में किसका है? वेलोसिटी का। अब रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, अब रिलेशन वेलोसिटी का आना भी जरूरी है, क्योंकि हेडिंग ही है लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू
वेलोसिटी, यानी अब केवल वेलोसिटी के टर्म में काम होगा। सर कौन सी मेथड यूज करेंगे, पिछले वाली या ये वाली? तो भैया पहले देख लो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट के टर्म में काम है तो जो पिछले मेथड बताया वो होगा। अगर क्वेश्चन में आदमी भाग पड़ा है, आदमी के पास कोई वेलोसिटी आ गई, तो भैया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। तो इस केस में अगर आदमी आगे भागेगा, सोचो प्लैंक का भागेगा पीछे, प्लैंक पीछे, ठीक, प्लैंक पीछे भागेगा, उसके सोचने के दो तरीके हैं, एक तो फोर्स एनालिसिस, दूसरा देखना। इनिशियली अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं, तो लीनियर मोमेंटम किसका, आदमी का, प्लैंक का या सिस्टम का? सिस्टम का। तो मैंने कहा इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का लिख के बताओ, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम आप कैसे लिखते हो? मुझे नहीं पता सिस्टम का मोमेंटम कैसे लिखते हैं, या तो एम ए टू बी सी एम से लिखो, बट एम बी सी एम से मत लिखना क्योंकि बी सी एम निकालना पड़ेगा, दूसरे तरीके से लिखो एम वन वी वन प्लस एम टू। तो आदमी का मोमेंटम एम इंटू वी वन, इसका मोमेंटम, तो इसका मतलब एम इंटू जीरो प्लस एम इंटू जीरो, यानी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या था, वो जीरो होना भी चाहिए क्योंकि सिस्टम किस पे है, रेस्ट पे है, उसके पास कोई मोमेंटम ही नहीं है भैया, रेस्ट पे चीज हो तो उसके पास मोमेंटम होगा ही। तो फाइनल अगर इनिशियल मोमेंटम भी जीरो है तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, जीरो। सर जीरो क्यों? क्योंकि इन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो भैया सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है। तो इसीलिए अगर लीनियर मोमेंटम इनिशियली जीरो है तो फाइनल भी जीरो। सर फाइनल तो जीरो नहीं है, मैंने कहा कैसे? सर इस आदमी के पास भी देखो मोमेंटम है, प्लैंक के पास भी मोमेंटम है, मोमेंटम मोमेंटम जीरो कैसे होगा? डायरेक्शन, मोमेंटम इज अ डायरेक्शनल क्वांटिटी। इस आदमी की बात करो तो इस आदमी का मोमेंटम है एम इन टू प्लस वी वन, लेकिन प्लैंक का मोमेंटम है एम इन टू माइनस वी टू, और ये जीरो आएगा, इन दोनों का सम जीरो आएगा क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। इसे को कहते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। यानी अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोई परेशानी है? पक्का लिखना स्टार्ट कर, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्यों लिखे? इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स on a system of particles is zero, if net external force on a system of particle is zero, if net external force on a system of particle is zero, then linear momentum of the system, linear momentum kya hota hai bhaiya, mass into velocity, sabka individual, the linear momentum of the system will remain conserved. Linear momentum of the system will remain conserved. Bracket में constant भी लिख लेना। Conserved का मतलब यहाँ constant है। यानी linear momentum constant रहेगा। Linear momentum of the system will remain conserved. Bracket में constant. एक body का नहीं, दो body का नहीं, तीन body का नहीं, पूरे system का। ठीक? Note करें, पूछें। हमने कोई धक्का थोड़ी मारा हमने, ठीक? एक प्रूफ लिख लो भैया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने की सिर्फ एक कंडीशन है, क्या? एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। बस एक्सटर्नल फोर्स चेक कर लो, अगर जीरो है मस्ट बी द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इज जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। पिछला कंडीशन क्या था, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आदमी प्लैंक वाला है, पीछे करो ये लिखिए तो बोले
देखे भैया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखना है इसका, फिर इस पर क्वेश्चन देख लेना अगर बातें ना करें। हुए भैया तो इसमें कॉन्सेप्ट या इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है, तो इनिशियल जो भी मोमेंटम होगा ना फाइनल वही होगा, इनिशियल जीरो तो फाइनल जीरो, इनिशियल नॉन जीरो तो फाइनल भी नॉन जीरो। तो क्वेश्चन देखते हैं प्रॉपर कराओ, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, इसे बहुत सारे क्वेश्चन है बराबर देखते जाओ। पहला क्वेश्चन, एक आदमी है जिसका मास है 80 किलो और ये प्लान पे खड़ा है, प्लान का मास है 100 किलो। इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, देखो इनिशियली नहीं होगा कुछ लगेगा, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। सो फाइंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इफ मैन स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स राइट, इफ मैन स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स राइट विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, मैन स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स राइट विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, फोर मीटर पर सेकेंड लैप। बहुत डिफिकल्ट सवाल, क्लियर भैया? बताना स्टार्ट करो। कुछ नहीं है भैया, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। इनिशियल मोमेंटम की बात करें, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का होता है मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम आ गया जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो आना चाहिए। तो अगर आदमी आगे भागेगा तो प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा, ठीक। अब देखो इसको करने के दो रास्ते हैं, पहला तरीका तो यह है कि आप लीनियर मोमेंटम लिखो और इसे जीरो कर दो। फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज m1 into v1, ध्यान रखना लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है भैया, साइन के साथ रख लेना, प्लस 100 into minus v upon sorry upon m1 v1 plus m2 v2, और इसको क्या कर दो जीरो। यहां से v के लिए सॉल्व करने पर आ जाएगी 4। अच्छा अगर v की वैल्यू सॉल्व करने पर 4 आ रही है, इसका मतलब मैंने जमाना है वो सही है। अगर कल को तुमने v की वैल्यू सॉल्व की होती और माइनस आ जाता, इसका मतलब जहां तुमने माना उसका उल्टा आंसर होगा, ठीक। इसमें मैंने v पहले से ही साइन के साथ रखा है माइनस, ठीक, तो माइनस नहीं आएगा। तो कोई बोलेगा सर v तो देखो उल्टा है, मैंने कहा हाँ, तो सर v तो माइनस में आना चाहिए, v माइनस में नहीं आएगा क्योंकि साइन तो ऑलरेडी माइनस में रख चुके हो, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको करने का एक और मेथड मैं जो अपनाता हूँ वो ये, मैं कह रहा हूँ इनिशियल मोमेंटम क्या है जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब जितना मोमेंटम राइट में है उतना ही लेफ्ट में होना चाहिए, यानी मैं इसमें काम सीधा सीधा मैग्नीट्यूड से करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, राइट का मोमेंटम है 80 इंटू 5 और लेफ्ट का मोमेंटम है 100 इंटू 2, लेकिन ये तभी इक्वल हो पाएंगे जब इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा, तभी बोल पाओ ना फाइनल जीरो है, और फाइनल जीरो बोलोगे तभी राइट बराबर लेफ्ट। समझ में आ गया भैया? नोट कर क्या बात तो एक ही, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट लाऊंगा तो रोना मत, मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन में कई बार होगा मैं डायरेक्ट बोलूंगा, देखो इसका राइट मोमेंटम एम बी, इसका लेफ्ट मोमेंटम एम बी, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा भैया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन वो मेथड भी बता दे रहा हूँ जिसमें मैं राइट का मोमेंटम इज इक्वल टू लेफ्ट मोमेंटम करूंगा, लेकिन वो तभी कर पाऊंगा जब इनिशियल जीरो होगा। समझ में आ गई? वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर लिया तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम, एक प्लैंक बातें बात करो जिसका मास है 100 किलो, इस पर एक आदमी खड़ा है जिसका मास है 60 किलो, दूसरा मास जिसका मास है 40 किलो। इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पर था, क्वेश्चन लिखे इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। सो नाउ नाउ 60 केजी starts running towards right. Now 60 kg starts running towards right with 10 meter per second and 40 kg move towards left
40 केजी मोर टुवर्ड्स लेफ्ट विद पहले कितने चलाते 20 मीटर पर सेकंड विद 20 मीटर पर सेकंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक वेलोसिटी ऑफ प्लैंक फिर डायरेक्शन बताना राइट लेफ्ट 2 मीटर पर सेकंड राइट में आ जाएगा जैसे इनिशियल मोमेंटम ऑफ वी जीरो तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए 60 वाला जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और 40 वाला आ रहा है 20 केजी मीटर पर सेकंड से अब एक काम करो प्लान की वेलोसिटी तुम्हारे पे डिपेंड करते हैं तुम कितना मानना चाहते हो तो मैं एक काम करता हूँ राइट में मान लेता हूँ फिर से भाई जितना मोमेंटम राइट में उतना ही मोमेंटम लेफ्ट में राइट में इसका भी है राइट में इसका भी है दोनों का मोमेंटम राइट में तो मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेफ्ट का मोमेंटम और लेफ्ट का मोमेंटम है 40 इनटू 20 मास इनटू वेलोसिटी सॉल्व करने पर वी प्लस 2 आ जाएगा इसका मतलब मैंने जो माना है वो सही माना प्लस 2 मुझे पास नोट कर तो बात आगे बढ़े जल्दी करो भैया ले गया नेक्स्ट क्वेश्चन बातें बंद करो यार बातें बंद करो एक 2 किलो की बॉडी है क्वेश्चन सुन लो भैया इसको 15 मीटर पर सेकंड देकर एक बड़ी बॉडी है 3 किलो की जो कि इनिशियली रेस्ट पर थी उस पर छोड़ दिया ग्राउंड है स्मूथ और ये भी है मान लो स्मूथ अगर ये स्मूथ होता तो क्या होता तो कुछ भी नहीं होता 2 किलो वाला मस्त चलता रहता मस्त ठीक ये सर्विस है पहले तो आपको सिचुएशन समझानी है सिचुएशन क्या होगी बता देना फिर चिल्लाना मत क्योंकि ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल में सॉल्व कर चुके हैं एक ही बंदा बता पाएगा या बस 3 4 5 6 वही सेम गिने चुने चेहरे नहीं तो भाई बता रहा तू क्या बता बता कुत्ता मार नीचे वाला आगे चलने लगेगा फिर कब तक जिंदगी क्या मतलब होगा ये एक्चुअली में एक स्टेट आएगी जब दोनों की वेलोसिटी ऐसा क्यों ये मतलब फ्रिक्शन बढ़ा चुका है इसकी वेलोसिटी आगे है तो इससे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और अगर इससे पीछे लगेगा तो इसपे और ये फ्रिक्शन इसकी स्पीड बढ़ाएगा और ये फ्रिक्शन इसकी स्पीड यानी 2 किलो वाले की स्पीड 15 से कम होने लगेगी 3 किलो वाले की स्पीड 0 से बढ़ने लगेगी कम होने लगेगी बढ़ने लगेगी कम होने लगेगी एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम और जैसे ही दोनों की वेलोसिटी सेम होगी अब फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा क्यों क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तभी दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं इस वेलोसिटी को कहते हैं कॉमन वेलोसिटी इसको कॉमन वेलोसिटी कह दो या टर्मिनल वेलोसिटी कह दो एक ही बात है मोस्टली कॉमन वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम कहते हैं क्वेश्चन लिखना फाइन the common velocity of the system find the common velocity of the system bade saste sawal mein jaldi kare find the common velocity of the system find the common velocity achieved by system bahut hi acche sawal paper mein bhi ekta sawal hai to yahan pe kitne tarike bata do ekta sawal hai to la sir paper la paper la और अगर तुम क्लास नोट ढंग से पढ़ लो पेपर का एक एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ क्लास नोट का एक एक क्वेश्चन कौन सा वाला टीचर सर पहले तो मुझे साइड कर लो मैं क्या मैं चलो हाँ चलो अच्छा पहला ए यूनिफॉर्म सॉलिड कौन इसे सेंटर मास बताओ बोलो बोला दूसरा क्वेश्चन ये भगवान और ये क्वेश्चन ढंग का नहीं है
क्लियर कर लो हां एडवांस करता हूं चल एडवांस देखते हैं एडवांस सही बनाए तो बनाया नहीं था चल पहला बोले पहला क्वेश्चन याद दिलाता हूं सेमी सर्कल सेमी सर्कल मतलब डिस्क एक डिस्क है जिसका मास डेंसिटी आर के साथ चेंज हो रहा है क्या डिस्क का प्रूफ क्लास में बताया तो जो डिस्क का 4R/3π प्रूफ किया हुआ मेरा देखो क्यों किया था इसी क्वेश्चन के लिए किया था पहले का आंसर तो दे दिया क्या है 4R/3π बेटा उसके लिए होता है जब यूनिफॉर्म होती है मैंने क्या बोला प्रूफ क्यों दिया था क्योंकि उसमें सिग्मा की जगह के आर रख के इंटीग्रेट करके करना था मैंने जो क्लास में प्रूफ कराया उसमें सिग्मा के आर रख तो इंटीग्रेट कर लो आंसर आ जाएगा ठीक जाता है एग्जैक्ट हो जाता है दूसरे वाला चलो ठीक है थोड़ा अच्छा था तीसरा वाला होगा तीसरा वाला बताओ गधे चौथा कौन सा वाले की बात कर रहे हो बता डी द क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी सेम टू द बोथ ऑफ द मास मैन कोई जरूरी नहीं है जो जरूरी नहीं है एक रुपया देख कर लो तो मैं ट्राई करो इन दिवरी टाइम यू मस्ट एक्सर्ट इक्वल फोर्स इन ऑर्डर टू वर्क ये तो सही है ये तो सही है अरे उधर भाई द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द टू वर्क मस्ट बी इक्वल ये भी सही है द फ्रिक्शन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन बोथ द वर्क्स ये भी सही है चौथा द कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी सेम बिटवीन बोथ वर्क्स एंड द मैन शांति रखो शांति है ये है वन बी सेम बिटवीन बोथ वर्क्स एंड द मैन सही बात है कोई जरूरत नहीं है हाँ तो मैं तो बोल रहा हूँ नहीं होना चाहिए दी आंसर दिया एक एक करके रोलो एक एक करके रोलो एक एक रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ तू रोल से पहले बोनस भी एबीसी कराऊंगा डी क्यू कराऊंगा बोनस कराऊंगा बोनस भी क्यू कराऊंगा बोनस भी कराऊंगा बोले क्या कह रहा था सब में पानी की कोई बात नहीं आप जुड़ तो पढ़ा ही नहीं रखा बाहर का बॉन्ड पर फर्क क्या पड़ रहा ये तो बीच में पेपर है तो बता दे कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो तो नहीं बना सकता पूछा पहले उसको बता दे क्योंकि नहीं पेपर उसने निकला तू एक क्वेश्चन ऐसा बता दे जो तू कहे कि सर ये क्लास नोट्स में आपने कराया होता तो मैं बना देता एक क्वेश्चन बता नहीं तो एक क्वेश्चन बता दे क्योंकि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो तुम क्लास नोट्स से नहीं बना सकते एक सवाल बाकी की तो बात नहीं करता चलिए हो गया यार क्या है यार पेपर डिस्कस करने का क्या है नहीं आंसर करता हूँ पहले मैं 17 कर लें क्या है करना है कि नहीं करना अरे करना नहीं करना
ये ये क्या दिक्कत है जी बना M A by 2 common is a minus number. 1 plus M A by 2, 1 by 8 plus M A by 2 common, 4, 1 by 4. क्या दिक्कत है? बहुत ही difficult सवाल है, बहुत ही difficult सवाल, इतना difficult class में करना ही नहीं था, कराना चाहिए तो class में, अबे, अब एक भी बच्चा नहीं था जो class में करना था। अच्छा मैं समझ गया ऐसे में करने लग गया तो पागल हो जाऊंगा पूरे के एडवांस में क्या एडवांस में लेवल होता है ऐसा यार सिंपल पार्ट लो हेलिंग मास में सिंपल ने सीधे कर दिस तो भैया अ सिंपल पार्ट लो हेलिंग बॉम मास में सेंटर वाला कारण से यू गाइस स्टार्ट टू प्रोजेक्ट द कार को बोलो क्लाइंट के हेड बिल्डर मेक्स जब टू लीव द क्लाइंट एंड क्लाइंट्स आर नॉट द एक्सेप्ट हाइट ऑफ द कार from the top of the cliff. The tension in the string when the car is in the air cannot be. Sorry, this cannot be as the ABC. The tension in the string when the car is in the air cannot be. Okay. कहना क्या जा रहा है अरे वी से गई फिर यहाँ से जंप करके ऐसे नीचे आ रही है तो क्या कह रहा है ये लगा के शांति रख लो ओ शांति रख लो थैंक यू सो मच उसकी एक्सेलरेशन जी होगी तो अगर इसके फ्रेम में जाऊंगा तो सुडो फोर्स ऊपर आ गया एमजीएमजी गया तो इसके फ्रेम में कोई फोर्स ही नहीं है तो टेंशन जीरो होना चाहिए हैं तो आंसर ए बी सी होगा ना क्या दिक्कत है मुझे लगा बहुत अच्छा सवाल है बहुत सिर्फ बात था मेरा क्या जाता है सही है लो मैं समझ गया पेपर बहुत टफ था क्लास नोट से नहीं होते क्या है बता क्या है ओ उसकी जब एक्सेलरेशन दी स्प्रिंग फोर्स निकाल स्प्रिंग फोर्स से एक्स आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर ये तो सेकंड आ रहा सेकंड गुजरा थर्ड गुजरा है एक इंडिविजुअल आदमी सब सब खेल रहे हैं अपने आप में हमारे लिए मुझे सर्कल एरिया सो दैट वेटिंग मॉडल जो होता है रोटेशन कौन से एरिया से वाले दबाने डॉ एक्सेलरेशन द पार्टिकल सर्कमफेरेंस क्या होता है अगर ओमेगा होता है सेंटर रिवोल्ट कितना होता है तो 2 ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा स्क्वायर आर हो गया कुछ नहीं है भाई पेपर में जान लो पता नहीं कहां से कौन सा टॉपिक उठा लाया भाई साहब पेपर में ऐसा कुछ नहीं है तो एक क्वेश्चन मुझे दिखा देना चल मैं आज भी नहीं छोड़ कल की गारंटी लेता हूं आराम से घर जा पूरा पेपर लगाओ कोई भी अगर एक क्वेश्चन मिल जाए तो बोल दो कि सर ये क्लास नोट से नहीं हो सकता तो मुझे बता देना ज्यादा ठीक अब ये कि दो कांसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है वो ही करा सकता हूं ऐसे थोड़ी कई कांसेप्ट मिला कर चलो क्वेश्चन निकालो लीनियर मोमेंट कंजर्वेशन है हां जी चलो ये दूसरा सवाल तीसरा सवाल कॉमन वेलोसिटी निकाल ली क्या निकाल ली क्या अरे ओ भाई साहब मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन चलो सर तो कॉमन वेलोसिटी निकालनी है तो कॉमन वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कंसर्व करा दो लीनियर मोमेंटम देखो यहाँ तो लीनियर मोमेंटम समझ में आ जाता है साहब क्यों अभी थोड़ी देर पहले हेडिंग लिखवाई है और उसके दो क्वेश्चन कराए हैं तो सर तीसरे क्वेश्चन में भी तो यही हुआ इसलिए तुमने क्या किया कुछ रिमार्क थोड़ी चलाया सीधा लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा रहा था निकाल बताओ तुमने ये किया होगा बट जान लो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा कि वो भी तो देख लो जैसे ही दोनों का सिस्टम आना प्रेशर खत्म तो ये जो आपस में लगा रहे हैं वो सब क्या है इंटरनल हमने बाहर से कोई फोर्स अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो लीनियर मोमेंटम क्या करा सकते हैं कंजर्व
यही क्वेश्चन जब पेपर में आता तो समझ में नहीं आता कि लीनियर मोमेंटम तो जैसे लगेगा, पहले का लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, अब की बार इक्वल नहीं कर सकते उनको क्योंकि जीरो नहीं है, तो मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी का सम इनिशियली, मास इनटू वेलोसिटी का सम फाइनल। तो 30 इज इक्वल टू 5 v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। किसी को डाउट है पूछ लो, है पक्का? अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा के पूछ लो, कैसे? इस 2 किलो वाले का आंसर छोड़ दे मत, ये बोल दो यहां क्या है इंक्लाइन, ये इंक्लाइन की हाइट है 20 मीटर, ब्लॉक डी से आया 3 किलो वाले पर चढ़ा, बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या है, क्या करें, कॉन्सेप्ट क्या? पहले यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम, 2 किलो वाले की वेलोसिटी निकाल लो, 2 किलो की वेलोसिटी निकाल के फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब इसको कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, कुछ भी नहीं भी मिक्स कर सकता, कैसा भी मिक्सचर बना दो, वो तो क्वेश्चन वो तो है, हर क्वेश्चन की अलग अलग फ्रेमिंग होती है, सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है इसी में बात है, क्या है क्या पढ़ा रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ चाचा प्रोफेसर, इससे हमारे पास क्या है, कार्ट है और ये कार्ट स्मूथ सरफेस पर है, प्लीज बातें मत करो, प्लीज बातें मत करो, ये स्मूथ सरफेस पर है, कार्ड का मास एम है, आदमी का मास स्मॉल एम है और इनिशियली पूरा सिस्टम किस पर है, रेस्ट पर। अभी आदमी क्या करता है, ये आदमी जमीन पर हॉरिजॉन्टली कूद जाता है, मतलब कार्ड पर खड़ा है तो कार्ड पर से कूद जाता है। अब तुम्हें अगर किसी चीज से कूदना है तो क्या करते हो, कैसे कूदते हो, फॉर्मल करते हो, जमीन को पीछे धक्का मारते हो, जमीन का धक्का मारती है तो तुम आगे गिर जाते हो, अगर तुम आगे गिरोगे तो तुम सीधे जमीन पर जाना चाहिए। तो आपसे बोला गया अगर ये आदमी कूद गया कार्ड पे से तो कार्ड की वेलोसिटी बताइए। क्वेश्चन क्या, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, कहीं तो मत मर जाना मुझसे भाई, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, फुल स्टॉप। मैं जंप्स टुवर्ड्स राइट विद स्पीड वी नॉट, मैं जंप टुवर्ड्स राइट विद स्पीड वी नॉट, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ कार्ट, इसको रिकॉइल कहते हैं, एक चीज के आगे जाता है दूसरे चीज के पीछे जाने को रिकॉइल कहते हैं, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इफ इफ ए पार्ट, दो पार्ट है, इफ ए पार्ट वी नॉट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इफ वी नॉट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल सर, बट एक सवाल है लंबी है मतलब हॉरिजॉन्टल, मैन जंप हॉरिजॉन्टली लिख लेना, हॉरिजॉन्टली कूद रहा भैया वर्टिकल नहीं है प्रॉब्लम, कर लो अच्छा हां -mv0 / z डाल, हां एक है आप जी, आदमी वी नॉट से कूद गया, बताओ कार्ट की रिकॉइल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम क्या है जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, तो फाइनल मोमेंटम जीरो होने के लिए आदमी अगर आगे कूदा वी नॉट से तो कार्ट पीछे कूद जाएगी, मान लो कितने से वी वन से, मुझे भी नहीं पता कितने जाएगी, लीनियर मोमेंटम अंदर है, पहले का लीनियर मोमेंटम जीरो तो फाइनल का भी जीरो, फाइनल जीरो होने के लिए एम वी नॉट इज इक्वल टू एम वी, वी इज इक्वल टू एम वी नॉट बाय कैपिटल एम। कोई दिक्कत है पूछ लो, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल, बी पार्ट, बी पार्ट इफ वी नॉट इज, इफ वी नॉट इज विद रिस्पेक्ट टू, इफ वी नॉट इज विद रिस्पेक्ट टू पार्ट, पैकेट में लिख लेना
इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। और इस क्वेश्चन का मतलब समझे भैया, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, अब की बार आदमी की जो वेलोसिटी है वो वी नॉट है, और वो वी नॉट किसके रिस्पेक्ट में है, कार के रिस्पेक्ट में। लेकिन इसमें एक चीज समझो, जो कार्ट है वो खुद वेरिएबल है। सर कैसे वेरिएबल है? कार्ट की अगर मैं बात करता हूं, कार्ट की कितनी स्टेट है पता है? दो। सर कार्ट की दो स्टेट कैसे हैं? ये है कार्ट की इनिशियल स्टेट, यानी ये है कार्ट का इनिशियल स्टेट, इसको कहते हैं इनिशियल स्टेट। और जब आदमी जंप हो गया तो कार्ट भी चलने लग गई, जब कार्ट चलने लग गई तो ये कौन सी स्टेट कहलाती है? फाइनल स्टेट। अब देखो, इस आदमी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो एक्चुअली में कौन से कार्ट के रिलेटिव दी गई है? वो इस कार्ट के रिलेटिव है या इस कार्ट के रिलेटिव है? क्योंकि कार्ट की तो स्टेट चेंज हो गई। देखो, अगर कार्ट पहले भी रेस्ट पे होता, बाद में भी रेस्ट पे होता, तो किसी के रिलेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी रेस्ट पे, बाद में भी रेस्ट पे। लेकिन इस कार्ट की स्टेट ही चेंज हो गई, पहले रेस्ट पे है बाद में चल रहा है, तो इसका रिलेटिव किसके रिलेटिव लो? तो वो तुम्हें क्वेश्चन में वैसे मैंने मेंशन कर दिया क्या कि आदमी की जो रिलेटिव वेलोसिटी वी नॉट है वो किसके रिलेटिव है? इनिशियल कार्ट से रिलेटिव। और जो किस पर है? रेस्ट पर है। और अगर ये रेस्ट पर है, रेस्ट से देखने पर जो वेलोसिटी होगी वो वही होगी, क्योंकि रेस्ट पर रुका हुआ आदमी कुछ भी उल्टा सीधा करके जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी वो भी कितनी है? वी नॉट। तो इसका आंसर अभी भी कितना हो जाएगा? एम वी नॉट बाय एम। ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा। समझ में आगे बात नोट करें भैया, ये सब कंबाइंड करके मैं यूज करूंगा एक नए क्वेश्चन में। यहाँ सिर्फ एक एक छोटे छोटे पार्ट में तुम्हें समझा रहा हूँ चीजें, ठीक। तो इसमें एम वी नॉट बाय एम फटाफट नोट करें, अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, वो भी बताता हूं। सी पार्ट, इफ वी नॉट इज विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, इफ वी नॉट इज विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, इफ वी नॉट इज विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, इफ वी नॉट इज विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। अब जैसे इस क्वेश्चन में सुन लो, कहीं भी फाइनल स्टेट मेंशन नहीं होगा। डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज फाइनल स्टेट, डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज फाइनल स्टेट। पिछले केस में डिफॉल्ट मीनिंग नहीं था, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया था इनिशियल स्टेट। समझ में आगे बात? तो अगर कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो वो हमेशा कौन सी स्टेट के रिलेटिव होगा? फाइनल। अगर वो इनिशियल के रिलेटिव बताना चाहेगा तो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन करके बताएगा इनिशियल रिलेटिव स्टेट। क्या बात समझ में आगे भैया? नोट कर लो, ब्रैकेट में लिख लेना डिफॉल्ट मीनिंग इज फाइनल स्टेट ओनली, ब्रैकेट में लिख लेना डिफॉल्ट मीनिंग इज फाइनल स्टेट। मतलब इसमें मैं लिखवाऊंगा नहीं फाइनल स्टेट, क्यों? डिफॉल्ट मीनिंग है, डिफॉल्ट मीनिंग इज विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट, डिफॉल्ट मीनिंग इज विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट, डिफॉल्ट मीनिंग इज विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट। फटाफट नोट करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल। कोई जवाब देना चाहेगा? ये भैया देना चाहते हैं क्या बताएं? सर एक डाउट है, सर डाउट है, किस नाम से है डाउट बोलिए। सर दिमाग में ग्राउंड फोर्स बना रहे हैं, कैसे टायर बना हां खोलेंगे बीटा पे इधर कार्ड आ जाएगी, तो क्या स्लाइड करेंगे यार? क्या ना ऐसे जगह में क्या कर सकता है? कैसे क्या है उसके एक्स मान ली कार्ट की, तो जो वेक्टर इज आल्सो वी नॉट माइनस एक्स मान ली, लेकिन उसमें लोगे एक्स मान ही नहीं है। हां एम वी माइनस वी नॉट अपॉन एम वी,
क्या बोल रहे हैं ऑल एम टू बी ये भी क्या ये माना हुआ भाई अरे जो माना अरे माना वैल्यू वो मैं निकाल ले रहा हूं जो भी चला रहा है आंसर बताना तो बताया नहीं बताना मत बताइए एक मिनट रुक जाइए कौन सा है ऊपर कौन सा है बस बोल रहा हूं क्या करना है अभी आंसर इस स्मॉल एम मीन और अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम ये कार्ड की वेलोसिटी है रिकॉइल वेलोसिटी ठीक बताना स्टार्ट करो चलो इस क्वेश्चन को करने के दो रास्ते हैं अब सुन लो इसमें इनिशियल तो यही है इनिशियली कार्ड है आदमी है सब कुछ रेस्ट पर है सब मस्त बिंदास था ठीक अब ये आदमी जंप कर गया जब ये आदमी जंप किया तो अब की बार हमें जो वेलोसिटी दे रखी है वो इस कार्ड के रिलेटिव दे रखी है आदमी की जो वेलोसिटी है वो इस कार्ड के रिलेटिव है तो मैंने क्या किया मैं सोचा मैंने अगर मान लो मैं कार्ड में के फ्रेम में बैठा होता इस वाले कार्ड के रिलेटिव क्योंकि डिफॉल्ट मीनिंग इज फाइनल स्टेट अगर मैं इसके स्टेट में होता होता तो हमें इसकी वेलोसिटी कितनी दिखती वी नॉट देखेंगे तो हमारे रिलेटिव से जब मैं ग्राउंड फ्रेम में बाहर आता क्या करता कार्ड की वेलोसिटी एज इट इज जोड़ देता अब कार्ड की वेलोसिटी एज इट इज जोड़ने के लिए कार्ड की वेलोसिटी तो माननी पड़ेगी मान लो कार्ड की वेलोसिटी कितनी है v मुझे भी नहीं पता कितनी तो जब मैं इसके फ्रेम से बाहर आऊंगा कार्ड की वेलोसिटी एज इट इज जोड़ूंगा एज इट इज जोड़ूंगा तो इससे पीछे की तरफ जुड़ेगा v मतलब इसका नेट इफेक्टिव आगे की तरफ कितना हो गया v नॉट माइनस v फिर से वही इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल मोमेंटम भी 0 तो इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा और 0 होने के लिए जितना राइट में उतना लेफ्ट में राइट में मोमेंटम है स्मॉल m into v नॉट माइनस v और राइट में मोमेंटम है कैपिटल m into v इसको पहले सिंपलीफाई कर लो mv नॉट माइनस mv इज इक्वल्स टू कैपिटल mv mv को इस साइड ले आओ mv नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल m into v और कैपिटल v की वैल्यू आ गई स्मॉल m v नॉट अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल m और v है क्या व्हाट इज v वेलोसिटी ऑफ कार कार्ड की रिकॉइल वेलोसिटी आ गई किसी ने अगर मान लो आदमी की वेलोसिटी पूछी तो वो v नॉट नहीं है वो कितनी है v नॉट माइनस v और जब तुम v नॉट माइनस v निकालोगे ना भाई v नॉट माइनस v उसकी वैल्यू आ जाएगी ये देखो ये भी मास का इनवर्स रेशियो है प्लैंक की वेलोसिटी इज आदमी का मास अपॉन टोटल मास ऑफ यहां मैन की वेलोसिटी इज प्लैंक का मास अपॉन टोटल मास ऑफ v नॉट यानी यहां पे भी जो v नॉट है वो मास के इनवर्स रेशियो में बढ़ रहा है क्या ये बात समझ में आ गई लेकिन ये कब बढ़ रहा है जब v नॉट क्या है रिलेटिव वेलोसिटी कल याद करो जो डिस्प्लेसमेंट हम मास के इनवर्स रेशियो में बांट रहे थे वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट था रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो कौन सी वेलोसिटी बचेगी रिलेटिव वेलोसिटी अगर वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में है तो क्या मास का इनवर्स रेशियो है नहीं है भाई सर मास का इनवर्स रेशियो नहीं है क्यों क्योंकि अपॉन में टोटल मास है ही नहीं अगर वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में है तो कोई दिक्कत नहीं मस्त बिंदास सॉल्व करो लेकिन अगर वेलोसिटी रिलेटिव है दैट इज वी नॉट जो है अगर वो रिलेटिव दिया जाए तो आप डायरेक्टली मास का इनवर्स रेशियो यूज कर सकते हो कुछ घुस गया भेजे लेकिन कब जब रिलेटिव वेलोसिटी तो क्वेश्चन में चीज मेंशन कर लो और वो रिलेटिव भी फाइनल रिलेटिव फाइनल स्टेट वाले रिलेटिव समझ में आ गया भैया तो इसमें एक चीज ये स्टेटमेंट डाल के अपने आप से मेंशन कर लेना कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी गिवन होगी तो हम मास का इनवर्स रेशियो भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं मैं लिखवा दूं या खुद लिख लोगे क्वेश्चन है क्वेश्चन स्टेटमेंट बोलो क्वेश्चन लिखे इफ नोट आते इफ फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इज इफ फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इज इफ फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इज इफ द रिलेटिव वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट If relative velocity is with respect to
final state, comma, we can directly use the inverse ratio concept. We can directly use the inverse ratio concept. मतलब जो velocity given है वो relative velocity है, वो भी final state वाली. तो हम direct inverse ratio का concept use कर सकते हैं. किसी को doubt है? अरे है भैया. पक्का. Next question. वो लेकिन कब करनी है? जब velocity क्या given हो? Relative. Ground के plane के relative. ठीक. तब direct रिलेटिव वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो. रिलेटिव वेलोसिटी इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट. वी कैन डायरेक्टली यूज द इनवर्स रेशियो कांसेप्ट. बढ़ू आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज बातें मत करो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कैपिटल एम है और इसके ऊपर दो आर्ग्यूमेंट है, एक मास एम वन का, एक मास एम टू का. और इनिशियली पूरा सिस्टम किस पर है? रेस्ट पर. इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पर था. अब क्या हुआ, जो m1 मास है वो राइट में जंप कर गया. पहले जो मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ, पहले जो सिंपल सा केस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? ग्राउंड फ्रेम वाला. मतलब मैं जो वेलोसिटी ले रहा हूँ किस फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम. तो क्वेश्चन लिखे, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट. पहले सिंपल ग्राउंड फ्रेम वाले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं. इफ इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, स्टॉप. If M1 jumps towards right, if M1 jump towards right with speed V1, with speed V1, find the recoil velocity of plank. Find the recoil velocity of plank. M2 plank पे जाएं. एम टू जो प्लैंक पे बैठा भी है, पहले एक आदमी को घुमाया. हाँ, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल. हुआ एक लाइन में. अब इस क्वेश्चन में V1 के बारे में कुछ मेंशन है? कुछ मेंशन ना हो तो फिर फ्रेम ग्राउंड. डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ समथिंग इज ग्राउंड फ्रेम. ठीक, यानी जो V1 है वो ग्राउंड फ्रेम है. कोई कुछ भी लिखा नहीं हुआ. अगर मैं लिख देता विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक तो फाइनल स्टेट के रिलेटिव होता. विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक्स इनिशियल स्टेट तो इनिशियल स्टेट के रिलेटिव होता. ऐसे डिवीजन होता है. ठीक, यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं होता, ग्राउंड फ्रेम में. तो हुआ क्या, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे था. अब क्या हुआ कि ये आदमी कूद गया और M2 यही है. अगर M1 V1 वेलोसिटी से कूदेगा तो ये दोनों V की वेलोसिटी से चलेंगे. कुछ V की मुझे नहीं पता कितनी वेलोसिटी चलेंगे. इनिशियल मोमेंटम की बात करो, इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो. तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए. और फाइनल मोमेंटम जीरो होने के लिए जितना राइट में उतना ही. तो M1 V1 इज इक्वल टू M प्लस M2. M प्लस M2 टाइम्स ऑफ V. यहां से V आ जाएगा, दैट इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज M1 V1 अपॉन M प्लस M2. इसमें किसी को डाउट है? नोट करें, जल्दी नोट करें. तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज M1 V1 अपॉन M प्लस M2. हो गया, लिख लिया क्या? लिख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन है. अब हुआ क्या, M और M2 दोनों बैठे थे मास्क और ये पूरा सिस्टम कितने जा रहा था? V से पीछे जा रहा था. ठीक, B पर. Now M1 तो गया, M1 गया पार्टनर, M1 कूद गया, ये चलने लग गया, अब खत्म क्वेश्चन. B पर. Now M2 jumps towards right. Now M2 jumps towards right with speed V2, of course, horizontally. Now, when M2 jump towards right with speed V2, find the final velocity of plank.
वाह ऑफ कोर्स बेटा सेम ही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट मतलब उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है। तो नाउ M2 jump towards side is speed V2, find the final speed of plan. ये जो V है पिछले क्वेश्चन वाला ही भैया, मतलब वही सेम क्वेश्चन ये, और ये V की वैल्यू आई थी कुछ M1 V1 upon M plus M2 शायद, सोचें। ऐसा क्या होगा जब बनेगा? M2 V2 by 2 करो भैया इससे पहले वाले को आप दे दो पढ़ दे भाई पढ़ दे मेट्रो वाइज छोड़ दिया सीधे बताओ मेट्रो वाइज छोड़ दिया फॉर्मूला तो जवाब देना चाहिए एम वी आ जाएगा एम वन वी वन अपॉन मतलब एम कुछ नहीं है यहाँ पे तो बड़ा वाला एम कैपिटल एम कैपिटल एम वापस से मौका देता हूँ कोई आंसर बोलना चाहेगा एक एक करके बोल लो एक एक करके बोल लो तीन जने आंसर देना चाहता चार जन पांच जन नीचे और भी देखे मैं भाई हाँ बता तेरे को बता दूँ चल मैं शुरुआत करता हूँ चल तू बोल बस यही सब गलत है ये जो लिखा है सब गलत है वही सही है तूने भी यही बोला था कुछ लोग क्या करे जा रहे हैं भगवान जाने क्या कर जा रहे हैं ये इनिशियल स्टेट है पहले तो ये समझे अब ये आदमी कूद गया जब ये आदमी कूदा इसकी स्पीड थी वी टू हमें यही तो पता करना है ना कि इस प्लान की फाइनल स्पीड क्या होगी मैंने कहा प्लान की फाइनल स्पीड कुछ मान लो ये निकालना है क्या कर क्या कर रहे हो क्या कर पी नीचे तो लोगों ने पी फाइनल को बराबर कर दिया पता नहीं क्यों क्योंकि इसका बराबर इसके भगवान जाने क्यों जबकि इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है इनिशियल मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम किस साइड है
लेफ्ट साइड, तो फाइनल भी लेफ्ट साइड होगा। इनिशियल मोमेंटम लेफ्ट साइड कितना है, टोटल मास है m plus m2 into velocity, और velocity है m1 v1 upon m1 plus m2। नहीं समझ में ये तो है इनिशियल मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू फाइनल। अब फाइनल देखो ये मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें फाइनल भी राइट हैंड लेफ्ट साइड लिखना है। इसका लेफ्ट है इसका राइट है, इसका मतलब लेफ्ट वाले को प्लस और राइट वाले को, तो लेफ्ट वाला हो जाएगा कैपिटल m into v3 और राइट वाला हो जाएगा माइनस m2 v2। पहले तो इसमें समझे कि मैंने साइन कन्वेंशन कैसे लिया, क्योंकि साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आया तो क्यों पाएगा। पहले इनिशियल मोमेंटम इसलिए समझ में क्या रखता है, मैंने डायग्राम यहां इस पेज पे नया क्यों बनाया, इसीलिए बनाया ताकि आपको इनिशियल मोमेंटम दिख सके कि भैया इनिशियली पूरा सिस्टम v से जा रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, दोनों मास की वेलोसिटी थी इसलिए दोनों का मास इनटू वो वेलोसिटी जो पीछे निकाली है, इज इक्वल टू फाइनली प्लैंक का मोमेंटम माइनस आदमी का मोमेंटम, क्योंकि आदमी का मोमेंटम राइट में है, आदमी लेफ्ट में कूदता तो दोनों प्लस लेते। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट है पूछ लो, बस अब इसको सॉल्व करो। m plus m2, m plus m2 तो वैसे भी कैंसिल हो गया, m1 v1 is equals to m v3 minus m2 v2, और m2 v2 को इस साइड ले आओ, m1 v1 plus m2 v2 upon capital M, याद है v3, m1 v1 plus m2 v2 upon capital M। ये बताने के लिए तो अलग अलग कुदाए हैं, कोई डाउट है पूछ लो। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कुछ नहीं करना, बताओ बताइए अपने डलतिया, देखो भैया क्या क्या गलतियां कर रहे हो, जल्दी जल्दी आंसर दे दे, जल्दी करें, और कोई डाउट है तो पूछे, पहले हो ही क्या जल्दी लिखे, समझ में क्या किया बे, समझ में आया, इनिशियल मोमेंटम लिखा, फाइनल मोमेंटम मोमेंटम होता है मास, वेलोसिटी बोलो, सी पढ़ लिखे। इफ द इफ बोथ द मेन, if both the men had jumped simultaneously, if both the men had jumped simultaneously instead of one by one, both the men had jumped simultaneously instead of one by one, find the recoil velocity of plank. Find the recoil velocity of plank या cart जो भी तुमने लिखा हो, find the recoil velocity of cart. मतलब वो दोनों आदमी अगर अलग अलग कूदने के बजाय एक साथ कूदते V1 और V2 से, V1 और V2 से है, मतलब पुराने वाली से है, तो बताओ plank की recoil velocity यही आती कैसे, उस केस में इनिशियल और फाइनल अलग अलग हो जाते हैं बस। इस केस में मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो दोनों आदमी अलग अलग कूदने के बजाय एक साथ कूदते, देखो इनिशियली अभी सिस्टम इसमें है, तो फाइनली ये बात करूं तो अगर वो दोनों आदमी एक साथ कूद जाते हैं, मतलब m1 v1 से कूद जाता और m2 v2 से कूद जाता, तो भी प्लान की वेलोसिटी सेम आती। कैसे, इनका राइट में मोमेंटम होता m1 v1 plus m2 v2, और इसका लेफ्ट मोमेंटम होता mv, तो यहां से v की वैल्यू v3 ले लो, इसकी v3 की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है, m1 v1 plus m2 v2 upon capital M। लेकिन ये पॉसिबिलिटी तभी हो पाती है जब वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में हो, अगर v1 v2 ग्राउंड फ्रेम में नहीं हुआ तो भैया ध्यान रखना सेम नहीं आएगा। सर आपको कैसे पता, ये मैं कल बताऊंगा, कल ऐसा ही क्वेश्चन सेम लूंगा, सेम ये क्वेश्चन लूंगा, लेकिन जो v1 v2 लूंगा वो ग्राउंड फ्रेम में नहीं लूंगा, ठीक। तो इसमें एक चीज याद रखना, जब भी ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी हो, अब क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए क्या होगा, पहले एक आदमी को जाएगा 4 मीटर पर सेकंड से, फिर बोलेगा थोड़ा थोड़ा बी को दिया 5 मीटर पर सेकंड से, तो जरा सी को दिया 1000 मीटर पर सेकंड से, बताओ प्लैंक की वेलोसिटी, तो आप पागलों की तरह पहले को बुला के इसकी वेलोसिटी, फिर उसको लेके फिर दूसरे को बुला दो, फिर तीसरे को बुला दो, इंडिविजुअली मत करना, सीधा
तीनों को एक साथ बता देना, समझ में आएगी। लेकिन वो तभी कर पाओगे जब वेलोसिटी नॉट है, तो इसमें लिख लेना स्टेटमेंट। चलो आंसर सेम आ रहा है ना भैया, प्रूव कर देना, मैं तो वेरिएबल लेके काम किया था, आंसर सेम आया, तो उसमें स्टेटमेंट मेंशन कर लेना। इफ वेलोसिटीज ऑफ जंपिंग आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ जंप इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ जंप इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इफ वेलोसिटी ऑफ जंप इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, we can directly conserve momentum, we can directly conserve momentum from initial to final state, we can directly conserve momentum from initial to final state instead of one by one, from initial to final state instead of one by one। अगर क्वेश्चन में ऐसा डिफिकल्ट हो सकता है 60 किलो 40 किलो 50 किलो 70 किलो, ये वाला इधर को किया 5 मीटर पर सेकंड से, ये वाला इधर को किया 10 मीटर पर सेकंड से, एक एक करके पहले ये बोला 5 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद ये बोला 10 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद ये बोला 5 मीटर पर सेकंड, ये बोला 20 मीटर पर सेकंड, बताओ प्लैंक की वेलोसिटी। अब पागलों की तरह एक एक को लेके मत सॉल्व कर लेना, मतलब पहले एक आदमी को बताया बाकियों की वेलोसिटी निकालो, फिर दूसरे को बताया पांचों की वेलोसिटी, ये सब मत करना, सीधा सीधा चारों आदमी को एक साथ बुलाओ प्लैंक की वेलोसिटी, क्या ये बात समझ में आई। चलो इंटर करते हैं, रिलेटिव वाला कल बताऊंगा, उसमें उसमें ये नहीं होता, कुछ और होता है। हमको क्या करो, शीट ड्रेस दिखा दो, शीट ड्रेस भी दिखा दो, ठीक है किसी में कहा गया वो बंदा, वो बता चला नहीं था भाई, एक तो डैश पेपर कर लो, कौन सा करोगे, मेंस एडवांस, मेंस के एडवांस एक मेंस कर लो, पीएलबी में खाता हो गया 55 पूरी हो गई, 56 में बता दो यार, चल ठीक है एक पेपर कर लो, एक पेपर कर लो, जय मेंस होमवर्क कर दे दूंगा, बाय गुड नाइट एवरीवन।